क्या बात है? कुछ नहीं, एक डाउट था। हर फ्राइडे तुम इन कबूतरों को दाना क्यों डालती हो? इसके पीछे कोई खास वजह? इंसान भले ही प्यार का मतलब भूल गया हो, लेकिन ये पंछी प्यार का प्रतीक है। इन्हें इस तरह दाना खिलाने से हमारी हर इच्छा पूरी होती है। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे करीबी लोगों को वो लंबी और खुशहाल जिंदगी दे। वाओ, सुपर। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं हर फ्राइडे यहाँ आती हूँ? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? कहीं लाभ तो नहीं? अमेजिंग। देखा, कई रातों से ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि दिल की बात कैसे बताऊं। तुमने टेंशन दूर कर दी। यस, आई लव यू। ओए, एक्सक्यूज मी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अब तक तो तुमने मेरा चेहरा तक नहीं देखा है, सिर्फ आंखें देखी हैं। मेरी नाक गोभी के पकोड़े की तरह है और मेरे दांत भी बाहर है। बुर्का हटा दिया ना तो सारा लव निकल जाएगा। हटो। हेलो, ओ बुर्का वाली मैडम, आई जस्ट लव यू। हेलो यार, तो तुम भी मुझसे करती हो। इधर देखो, सबूत है मेरे पास। हाँ? देखो किस तरह तुम अपनी क्लास की खिड़की से नीचे झांक रही हो। कॉफी शॉप में तुम्हारी नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भी तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर ही है। चाहते क्या हो तुम्हें? हाँ बोल दिया तो क्या करोगे? एक सी ग्रेड फिल्म दिखाओगे और अंधेरे का फायदा उठाओगे, या तो किसी गार्डन में ले जाओगे और मुझे बुर्का हटाने को कहोगे। फेस अच्छा हुआ तो ठीक, वरना गुल हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें एक बढ़िया प्लान बताऊं? पहले मुझसे शादी कर लो। शादी? हाँ शादी, बाद में लव कर लेना। प्यार करने के लिए तो सारी जिंदगी है। वो बाद में दमे पर शादी? देखा ना, शादी के नाम पे कैसे सीटी गुल हो गई। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। बाय आयशा। बाबा यहाँ अच्छे से धुआं मारना। आई लव यू बोलकर पीछे पड़ा रहता था, शादी की बात सुनकर ही गायब हो गया। यहाँ नागोरी चाय पीने आया करता था, दो दिन से बेचारा दिखाई नहीं दिया। आपने उसे देखा है क्या? हे अर्जुन, तुम? मुझे तो लगा कि तुम शहर छोड़कर भाग गए। शादी की बात सुनकर तो तुम बिल्कुल गायब ही हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो, ये प्यार व्यार का चक्कर नहीं चलने वाला। वी कैन जस्ट बी गुड फ्रेंड्स। आयशा, हम शादी करेंगे। ये देखो, तुम्हारे लिए साड़ी और मेरे लिए शेरवानी। शादी लाइफ में सिर्फ एक बार होती है। कपड़े, गहने, रजिस्ट्री, ये सब अरेंज करने में दो दिन लग गए। अब चाहे तुम साड़ी पर बुरखा पहनो या फिर बुरखे पर साड़ी, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो तुम्हारा वेट करूंगा। ये मेरा फोन नंबर है, कोर्ट पहुंचते ही मुझे फोन कर लेना। और हाँ, हमारी शादी कल 12 बजे। पापा? कमला, ये सब क्या है? ये बुर्का क्यों पहना हुआ है? पापा वो। फिक्र मत कीजिए भाईजान, आपकी बेटी ने मजहब नहीं बदला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो। प्रॉब्लम? क्या हुआ बेटी? अरे यार, फॉरेन लड़कियों में वो किक नहीं जो देसी लड़कियों को देखने में मिलती है, इसने तो तबीयत हरी कर दी। हाँ
हाँ मैडम, तुम तो स्लिम से ड्रम हो गई हो। इडियट्स। ए, ए, पानी पिला। तूने पानी पिलाया ना? हाँ पापा। प्याज बुझी, ये और पीना है। जानती है मेरा बाप जाकर कितना बड़ा गुंडा है? ए, तू जानता है कि मैं कहाँ से हूँ? विजयवाड़ा। दादागिरी की कोचिंग हम देते हैं। होगा वो कोई बड़ा गुंडा। चाचा तो उसकी धमकियों से डर गए थे, पर मैं नहीं डरी। विजयवाड़ा में तो रोज ऐसे गुंडों से पाला पड़ता है। अली चाचा ने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। कोर्स के लिए पूरे 25,000 भरे हैं, वेस्ट होने देंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। फिर आयशा ने मुझे पहनने के लिए ये बुर्का दे दिया। मैं तो तुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया था, तूने मुझे ही शौक दे दिया। ये सुनकर आप शौक हो गए, तो अब जो मैं बताऊंगी उसे सुनकर आपका क्या होगा? मिल गई, एक महीने से ढूंढ रहा था। चल एसिड निकाल। चल जल्दी चला। वो आगे निकल रही है। राइट से, राइट से। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कमला हूँ, सिर्फ आंखें ही नहीं। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि कमला कैसी दिखती है। तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती थी। जिस प्यार पर तुम्हें इतना भरोसा था, उस प्यार के साथ मैं उम्र भर जीना चाहती थी। पर एक पल में